कितना समय गया है, आपको कितना टाइम हो गया मैम? गुड आफ्टरनून. मैं जॉब करती हूँ डाइसन में. सो गुड़गांव पे है कंपनी. सो शेयर बाजार में मुझे अ लिटिल मोर देन 1 ईयर, 1.5 ईयर हो गया है. डायसन आपने कहा, सॉरी. आपने कौन सी कंपनी का? डायसन में जॉब करते हो? राइट. डायसन वो जो होम अप्लायंसेस वगैरह बनाती है? क्लीनर अरे वाह, कैसा मूड मॉल? कू होम अप्लायंसेस बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे हैं आजकल? अभी तो दिवाली टाइम आने वाला है. अभी और बिकेगा. उसकी तैयारी कर रखी है? जी बिल्कुल. अच्छा कृति, 1 साल का समय कैसा रहा शेयर बाजार में? ठीक. मिक्स ऑफ बोथ. अभी तो अच्छा है. तो सैलरी का कुछ पार्ट असाइड रख के आप इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हो? टू राइट. गुड, वेरी गुड। कृति मैम, पहला सवाल कौन सा अग्रवाल साहब के लिए? सर, मेरे पास कोचिंग शिपयार्ड के 75 शेयर्स है. 382 पे मैंने परचेज करा था 1 साल पहले. सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी मैं इसमें कंटिन्यू करूँ या प्रॉफिट है. सो काफी रिटर्न दिया है इसमें, क्या करना चाहिए? ऐसा गजब। कुछ कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू नो क्या करना है. तो कृति, आइडिया कहां से आया था कोचिंग शिपयार्ड का? डिफेंस स्टॉक्स ऑब्वियसली वो था, सेक्टर था, एंड पापा ने सजेस्ट करा था. सो बहुत बढ़िया। तो पापा ने क्या कहा है? उन्होंने कोई, जब लेने को बोला था कोई टारगेट था, बोला नहीं पापा के पास जाके डबल हो गया आप निकाल दूं, 50% हो गया आप निकाल दूं, ऐसा पूछा उनसे? नहीं पूछा। पापा तो कह रहे रखे रखो, अभी और ऊपर जाएगा. पापा ने कहा था लेने को, सही बोला पा उनका कॉल, रखे रहो बोला, सही पड़ा उनका कॉल। 380 वाला 1,000 के ऊपर खड़ा है, इस तरह से पैसा 2x कर दिया पापा ने। गजब है। खैर अब राजेश जी, पापा सही कह रहे हैं, रखे रहूं या मुनाफा बांध लूं? 75 क्वांटिटी है मेरे पास। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा इनके. अभी रखे रहना चाहिए. मेरी भी यही राय है कि अभी रखे रहना चाहिए. शिप बिल्डिंग यार्ड्स वगैरह में एक बड़ी उम्दा कंपनी है और बहुत शानदार है. मार्जिन्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और पिछले 2-3 माह से नतीजे देखेंगे तो बहुत ही अच्छे नतीजे आ रहे हैं. इस तिमाही में भी 135% के आसपास का बॉटम लाइन में जंप देखा गया. मैं समझता हूँ इन्हें बिल्कुल बने रहने चाहिए. इतनी बढ़त के बाद हो सकता है कभी इनको थोड़ा कंसोलिडेशन नजर आए, बट कम से कम 6-9 महीने के समय अवधि मान कर बनी रहे स्टॉक में. हमारा अनुमान है इस लेवल से कम से कम 20-25% ऊपर और जा सकता है. गजब है। पापा ने अगला स्टॉक लेने को कौन सा बोला है कृति? सॉरी. पापा ने अगला स्टॉक कौन सा खरीदने को बोला है? पापा ने